अच्छा, जगमोहन जी का मतलब पढ़ाने का तरीका खास क्या बात थी? एज ए टीचर आपको क्या लगता एक तो मुझे ये लगता है कि टीचर को सिर्फ अपनी ही ऐसी अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज नहीं होनी चाहिए, इट हैज़ टू बी इफ़ नॉट 360 180 डिग्री तो होनी चाहिए। तो सर की स्टडीज़ जो है, सर जो मुझे पता है उसके हिसाब से सर ने कॉलेज में एक तो बड़े अच्छे पब्लिक स्कूल से पढ़े थे और उसके साथ में उन्होंने मतलब इंजीनियरिंग स्टार्ट करी थी स्टडीज़ में, तो ही हैड प्रिटी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंजीनियरिंग। और साथ में उनको केमिस्ट्री की भी बहुत अंडरस्टैंडिंग थी कि ये वाला केमिकल, आज पूछो किसी को कि इस केमिकल से क्या होता है, कंप्यूटर अपना सेल खोल के फटाफट यू नो, बट दोज डेज दैट इंफॉर्मेशन हैड टू बी हेयर। एक हमारे कॉलेज में MM रॉय सर थे जो कि म्यूरल पढ़ाते थे, वो भी वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया थे ऑफ केमिस्ट्री। मतलब अब ऐसे लोग मालूम नहीं होते हैं कि नहीं, पर आई एम नॉट, मुझे औरों का नहीं मालूम, मैं नहीं हूँ। पर मिस्टर चोपड़ा को इतनी अंडरस्टैंडिंग, आप फोटोग्राफी ले लो, आप रामेश्वर भूटा जी से पूछिए, वो बताएंगे आपको। और इतनी अंडरस्टैंडिंग सिर्फ टेक्निक की नहीं, परंतु विद वॉट केमिकल वॉट कैन हैपन। एक तो ही वॉज वॉरेशियस रीडर, वो इतनी रीडिंग करते थे सारा टाइम, और ऊपर से अंडरस्टैंडिंग और वो भी अच्छा था, तो इसलिए स्टूडेंट्स के लिए इंस्पायरिंग रहे। हाँ जी, कुछ भी पूछ लो तो पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, नॉट व्हाट यू रिक्वायर, मोर देन दैट, सो दैट व्हाट यू रिक्वायर्ड दैट वुड बी रिटेन्ड। सो आई थिंक ही वॉज वेरी पॉपुलर टीचर एंड ही वॉज वेरी जोवियल ऑल्सो। जब आप बड़ा डिप्रेशन और उसमें पड़े हो कि ये कैसे होएगा वो कैसे होएगा, तो बड़े अच्छे वे में उसको वो कर दे, मतलब सिर्फ हवा वाला टीचर नहीं थे, ही वॉज जस्ट काइंड ऑफ कैजुअल टीचर। कैजुअल टीचर मीन्स गिविंग यू इंफॉर्मेशन वेरी कैजुअली बट इन अ वे विच यू विल बी एबल टू रिटेन। So not me only, but he was in general very popular in college. Senior students से पढ़ो, अच्छा ठीक है कुछ बन जाओगे, और all you know like, and I just now I remembered he had a very good voice. जो भी तो सारे लोग, जो लड़के लोग तो कहते क्या आवाज़ है सर चोपड़ा सर की, and he had very good command over language which आर्टिस्ट रेयरली हैव, यू नो आर्टिस्ट की लैंग्वेज नहीं इतनी अच्छी होती, मेरी नहीं है, पर मिस्टर चोपड़ा की बड़ी मतलब टू द पॉइंट अप्रोप्रिएट एंड यू नो ईच वर्ड मेंट समथिंग।